गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीमाज किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बनाएंगे फाइबर वाला वेज सूप। फ्रेंड्स, ये सूप जितना पीने में टेस्टी लगता है उतना ही ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। वैसे तो सूप को सभी लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसे हम बहुत ही ईजी वे में आज बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि फाइबर वाला वेज सूप आज हम कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, फाइबर वाला वेज सूप बनाने के लिए हमने कुछ वेजिटेबल्स हैं इनको सबसे पहले पानी से वॉश कर लिया है और छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। तो ये क्या वेजिटेबल्स हैं, ये गाजर है, दो गाजर हैं, और ये पत्ता गोभी, ये कुछ मटर के दाने, और ये टमाटर, और ये आधी शिमला मिर्च है हमने ये ले ली है, और ये धनिया की पत्तियाँ। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसको गरम कर लिया है। इसके अंदर हम ये देसी घी का यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो किसी भी ऑलिव ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। इसको मेल्ट होने देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी घी अच्छे से गरम हो गया है। हमने यहाँ पर कुछ दाने इसके अंदर जीरे के डाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर हमारी ये सब्जियाँ डालेंगे। सबसे पहले ये गोभी डाल देंगे, अब ये मटर के दाने, अब हम इसके अंदर गाजर डाल देंगे, अब ये शिमला मिर्च है, और ये कटे हुए टमाटर हैं हम ये डाल देंगे। और गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर लेंगे। हम सबको चलाएंगे। इसके अंदर फ्रेंड्स हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, वाइट नमक डालेंगे जिससे कि सब्जियां गल जाएं, और इनको भी एक बार अच्छे से चलाएंगे। अब हम इसके अंदर आधा गिलास पानी है ये ऐड कर देंगे, और हमारी वेजिटेबल्स को एक बार फिर से चलाएंगे। और गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखते हुए इसके अंदर हम दो सीटियां ले लेंगे। फ्रेंड्स, प्रेशर कुकर के अंदर दो सीटियां आ गई हैं और ये हमारी वेजिटेबल्स है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पोटैटो मैशर है, ये लेंगे और इससे सारी वेजिटेबल्स को इस तरह से पुश करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी गाजरों को अच्छे से पोटैटो मैशर से मैश कर लिया है। अब हम फिर से गैस ऑन करेंगे, और हमने गैस को ऑन कर लिया है। इसके अंदर हम ये एक गिलास पानी है ये डालेंगे और इसको चलाएंगे। और फ्रेंड्स, इसको अभी हमें 2 से 3 मिनट के लिए अभी हम इसे और उबालेंगे। फ्रेंड्स, इसको उबलते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि इसे हमें अभी और उबालना है। अभी इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए और उबालना है। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने तब 1/4 चम्मच व्हाइट वाला नमक डाला था, अब इसके अंदर हम इतना ही यानी और अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ये काला नमक है इसका यूज़ करेंगे। और इसके अंदर ये 1/4 छोटी चम्मच है, मिर्च भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, ये काली मिर्च है, काली मिर्च का पाउडर हम ये डालेंगे। और फ्रेंड्स, इसके अंदर हम ये भुना हुआ जीरा है, इसको हमने पीस कर पाउडर बना लिया है, इसका पाउडर ही यूज करना है। जीरे को क्रश करके नहीं डालना है, वरना वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और इन सबको हम मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर ये लाल मिर्च पाउडर है जस्ट 1 पिंच हम ये डालेंगे, और इसको हमें बॉईल करते हुए आराम से 5 से 7 मिनट हो गए हैं, और हमारा जूस ऑलमोस्ट अब तैयार है। अब हम इसको एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सूप को हमने एक बाउल के अंदर निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर ये आधा नींबू है इसको निचोड़ देंगे, और इसको हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसके ऊपर ये कुछ धनिया की पत्तियां हैं
जिससे कि देखने में अच्छा लगे, ये लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, फाइबर वाला वेस्ट सूप बनकर तैयार है। इसके अंदर सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं और ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इससे आप मॉर्निंग में या फिर खाना खाने के बाद जब भी आपका मन हो आप इसे बनाकर पी सकते हैं। और ये बनाने में भी बहुत ईजी है, सिर्फ ये रेसिपी 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो अब हम एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।